जब अमेरिका ने WHO के ऊपर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाया तो दुनिया के बाकी देशों ने इस मुद्दे पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे WHO के एक तरफा फैसले और चीन के प्रति ज्यादा समर्थन ये साबित कर देता है कि WHO दुनिया को वही जानकारी दे रहा है जो चीन से दिया जा रहा है। और अब हालात इतने बुरे हो रहे हैं कि अमेरिका WHO की विकल्प लाने की तैयारी कर रहा है। वही अब ज्यादातर ताकतवर देश WHO के गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर रहे हैं और कोरोना वायरस के मुद्दे पर अपनी खुद की गाइडलाइंस और इलाज की तरीकों पर काम कर रहे हैं। दरअसल WHO ने भारत के ऊपर कोरोना वायरस के इलाज के लिए भारत में तैयार हुए मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्लोरोक्विन के क्लिनिकल ट्रायल पर रोक लगा दी है, जिसके बाद भारत ने WHO के इस फैसले को ही मानने से इनकार कर दिया है। और WHO को इसका जवाब देते हुए कहा कि भारत पिछले 45 दिनों में इस दवाई का कई स्तर पर जांच कर चुका है, जिसमें ये साबित हो चुका है हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा कोरोना वायरस महामारी में कारगर साबित हो रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि WHO ने इसमें रोक लगाने से पहले खुद इस पर रिसर्च नहीं किया, केवल चीनी वैज्ञानिक की रिपोर्ट और जाने मानी पत्रिका द लैंसेट की एक रिपोर्ट के आधार पर ही HCQ पर रोक लगाने पर फैसला ले लिया। यानी कि WHO के इस फैसले के पीछे पूरी तरह से चीन का हाथ है, क्योंकि ना केवल भारत HCQ टैबलेट का सबसे बड़ा निर्माता देश है, बल्कि भारत यूरोप और अमेरिका से लेकर लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों में इन दवाइयों की सप्लाई कर रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में HCQ को लेकर भारत की ही चर्चा हो रही है। ऐसे में चीन कभी नहीं चाहेगा भारत की राजनीतिक पकड़ और भी मजबूत हो। लेकिन भारत ने भी WHO को जवाब दे दिया है, हमें हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा पर इतना ज्यादा भरोसा है कि हमने इसके इस्तेमाल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में भारत का WHO को कड़ा संदेश है कि भारत अब ऐसे किसी भी सलाह को नहीं मानेगा जो चीन के विचारों से प्रेरित हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।